गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन मैथ्स वीडियो क्लास। हम सीख रहे हैं चैप्टर नंबर 3। ओपन योर बुक एट पेज नंबर 96। आज हम सीखेंगे सिंप्लीफिकेशन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 4 करने के लिए। आई होप आपने कंप्लीट किया होगा। ये आपको होमवर्क लास्ट वीडियो में दिया गया था। ये क्वेश्चंस आपको करने थे, आपको अपने आंसर मैच करने हैं कि आपके आंसर यही आए हैं या नहीं। दिस इज द करेक्ट आंसर्स। एंड आज हम सीखते हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में हम क्या करते हैं, जो भी हमने ऑपरेशन सीखी हैं जैसे डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इन सबको हम एक साथ यूज़ करते हैं सिंप्लीफिकेशन में। ठीक है, इसके लिए हम एक रूल यूज़ करते हैं जिसका नेम है बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास ये रूल है सिंप्लीफिकेशन के लिए। इसमें क्या होता है, बी से होता है ब्रैकेट, ओ का यहाँ पर मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए का मतलब होता है एडिशन एंड एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। जब भी हमें सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, देन ऑफ, देन डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, देन प्लस एंड देन लास्ट माइनस। सिंप्लीफिकेशन के को अच्छे से समझने के लिए आपकी बुक में एक एग्जांपल देखेंगे। जैसे आपको ये सिंप्लीफाई करना है, 8 - 9 - 3 - 2 + 3। तो अब हमें इसमें आप देखोगे कि सबसे पहले हम क्या करें, पहले डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, प्लस करें या माइनस करें। तो इसके लिए हमें इस रूल के अकॉर्डिंग चलना होगा जिसका नेम है बोर्ड मास। क्या नेम है, बोर्ड मास। तो अगर हम अब इसको सॉल्व करना चाहें क्वेश्चन को, तो देखिए क्या इसमें ब्रैकेट है, क्वेश्चन में कहीं ब्रैकेट है, नो। देन ऑफ, ऑफ भी कहीं यूज़ नहीं है। देन डिवाइड, डिवाइड है, यस डिवाइड है। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, फिर इसके बाद देखेंगे मल्टीप्लाई, यस मल्टीप्लाई है। जब हम डिवाइड कर लेंगे तो उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मल्टीप्लाई जब हम कर लेंगे तो प्लस करेंगे, एंड जब प्लस हो जाएगा तो लास्ट में माइनस करेंगे। इसको हम सॉल्व करते हैं एक बार, एग्जांपल को सॉल्व कर रहे हैं हम अभी। देखिए ये है क्वेश्चन, 8 - 9 - 3 - 2 + 3। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, डिवाइड। तो हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसका, देखिए 8 इसी तरीके से लिखेंगे, माइनस, अब डिवाइड के लिए हमें ये हमारा डिवाइड का एक सम बन गया, 9 / 3। तो जब हम 9 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 × 3 = 9 क्या आएगा, 3। तो 3 को जब हम 3 से जब हम 9 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। ओके, तो हमने ये सॉल्व कर दिया। देन मल्टीप्लाई 2 + 3। तो हमने इस वाले, इसमें क्या करा, हमने डिवाइड किया किसको, 9/3। इस तरीके से हम बराबर में लिखते जाएंगे। अब नेक्स्ट हम आगे क्या करना चाह रहे हैं, आगे हमारा डिवाइड हो गया, अब इसमें बचा है मल्टीप्लाई। डिवाइड के बाद हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे 8 - इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 = 6, फिर प्लस में 3 इसी तरीके से लिख देंगे। तो हमने यहाँ क्या करा है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 3/2, 2 and 3 का मल्टीप्लाई किया है। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पर देखिए माइनस का साइन है एंड प्लस का साइन है, तो सबसे पहले प्लस करेंगे,
प्लस किसको करते हैं, जो प्लस प्लस के साइन एक साथ होते हैं। देखिए यहाँ पर 8 प्लस का नंबर है एंड 3 भी प्लस का नंबर है, तो 8 में हम 3 प्लस करेंगे 11 एंड देन माइनस 6। तो हमने यहाँ करा है ऐड किया है किस किस को, 8 एंड 3 को, ओके। एंड लास्ट है 11 माइनस 6 तो आएगा 5। यहाँ पर हमने क्या करा है, सब्ट्रैक्ट किया है, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस, सब्ट्रैक्ट किया है 6 को फ्रॉम 11 से, 11 से हमने 6 को सब्ट्रैक्ट किया है। तो इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर आएगा 5। जब हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 5। तो आपको ये बोर्ड मास याद रखना है, ओके। तो सबसे पहले आपको एक्सरसाइज लिखकर ऊपर एक्सरसाइज 3.2 ये एग्जांपल करना है, इसी तरीके से करना है जैसे मैंने कराया है आपको। सबसे ऊपर बोर्ड मास का रूल लिखना है ऐसे ही BODMAS, ठीक है। देन क्वेश्चन लिखना है और इस तरीके से आंसर करना है। तो ये आप करेंगे अपनी कॉपी में। अब हम करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3.3 आपकी पेज नंबर 97 पर दी है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन, किस तरीके से करना है सॉल्यूशन देखिए। इसमें हमें बोर्ड मास का रूल लगाना है, ठीक है। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आप देखेंगे क्या ब्रैकेट है कहीं पर, ओ मतलब ऑफ, डी मतलब डिवाइड, एम मतलब मल्टीप्लाई, ए मतलब ऐड, एस मतलब सब्ट्रैक्ट। तो आपने देखा यहाँ पर डिवाइड भी नहीं है, यहाँ तक हमें नहीं मिला, सीधा डायरेक्ट क्या है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है यहाँ पर दो नंबर्स की, देखिए इधर क्वेश्चन में। तो हम कैसे करेंगे देखिए, 5 प्लस 6 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2। सबसे पहले तो हम पूरा क्या करेंगे, क्वेश्चन लिख देंगे। देन अब हम यहाँ साइड में लिखेंगे, जब हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर साइड में लिखेंगे। चलिए पहले सॉल्व करते हैं। 5 प्लस, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, 6 3 जा 18 माइनस 2। तो ये 18 कैसे आया, जब हमने मल्टीप्लाई किया मल्टीप्लाइंग 6 बाय 3, जब हमने 6 एंड 3 को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 18 आया। तो इस तरीके से सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई किया, फिर नेक्स्ट इक्वल का साइन लगाकर, अब मल्टीप्लाई के बाद क्या आता है ऐड, तो हम ऐड करेंगे जो कि पॉजिटिव नंबर्स होंगे हमारे। तो 5 यहाँ पर पॉजिटिव नंबर है एंड 18 यहाँ पर पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर कौन से होते हैं, जिनके आगे माइनस का साइन ना लगाओ, ओके। तो 5 एंड 18 को प्लस करेंगे तो आपका आएगा यहाँ पर 23 एंड देन माइनस 2, इसी तरीके से लिख देंगे पीछे। तो हमने यहाँ पर किया ऐड किस किस को, 5 प्लस 18 को, इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमने पाया 23 एंड देन माइनस कर देंगे 23 माइनस 2, आंसर आएगा 21, ठीक है। तो ये हमारा माइनस करने के बाद आया। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर ए। हमें सभी क्वेश्चंस में ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको केवल समझाने के लिए लिखा है कि हमने इस लाइन में क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है 6 बाय 3 को। 6 बाय 3 को जब मल्टीप्लाई किया तो 18 आया, फिर हमने इसमें क्या किया है ऐड किया है देन माइनस किया है। तो आपको ये साइड में लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको बोर्ड मास याद रखना है। अगर आपको बोर्ड मास रूल याद होगा तो हम आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर बी है, वो आप करेंगे खुद। क्वेश्चन नंबर सी करते हैं, ठीक है। इसमें देखिए, अगर आपको बोर्ड मास का रूल लर्न हो गया होगा अब तक,
तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड, दो डिजिट लेंगे और फिर डिवाइड करेंगे, देन फिर मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन फिर माइनस करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले 8 मल्टीप्लाई इन दोनों को लेंगे, इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे 21 डिवाइडेड बाय 7, जब हम रफ में यहाँ पर कर सकते हैं 21 को जब हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 3 21, तो क्वोशेंट आएगा हमारा 3। तो यहाँ पर हम 21 डिवाइड 7 को लिख सकते हैं 3 डिवाइड करने के बाद, देन माइनस 3। ओके, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग। आपने देखा यहाँ पर बोर्ड मास में सबसे पहले डिवाइड एंड देन मल्टीप्लाई, हमने डिवाइड कर दिया, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। 8 3 जा 2 डिजिट लेंगे, 8 3 जा, ये हमारा एक सम बन गया मल्टीप्लाई का, इसको करेंगे 8 3 जा 27 24, 8 3 जा 24, ये माइनस पीछे लिखेंगे -3। एंड देन अब देखिए यहाँ पर एडिशन नहीं है, देन हम पहुँच जाएंगे सब्ट्रैक्शन पर, तो 24 -3 करेंगे तो आएगा आंसर 21, ये होगा फाइनल आंसर। तो हम जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बोर्ड मास का रूल अपने माइंड में रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे। ओके, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस जरूर आएंगे। तो आपको आज के होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करना है, ठीक है, डू कंप्लीट, आपको ये पूरा कंप्लीट करना है अपनी कॉपी में, क्वेश्चन नंबर ए बी सी डी ई एंड एफ, ये 6 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं, 2 क्वेश्चंस मैंने आपको समझा दिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।